सो दोस्तों, जो इस फ्लैट का प्राइस होने वाला है, मात्र 6,500 रुपये के अंदर आपको ये फ्लैट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, बी आर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि आप सस्ता फ्लैट नहीं लेकर आते हैं, 1 BHK फ्लैट लाइए जो कि मेट्रो के बहुत नज़दीक हो। 2 रूम मिलेंगे इसके अंदर, एक वॉशरूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा और थोड़ा सा लॉबी एरिया मिलेगा। मेट्रो स्टेशन से अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो मात्र में भी 300-400 मीटर होगा, लेकिन वही है कि मैं कह तो कुछ भी सकता हूँ, इसलिए मैं कहने से ज़्यादा करने पे बिलीव करता हूँ। एंड आई विल शो यू द डिस्टेंस कि डिस्टेंस कितना होने वाला है। ये है दोस्तों मेरी लोकेशन। मैं अपनी लोकेशन से द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन डाल रहा हूँ और जो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं, वो आ रहा है 750 मीटर और 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ जी दोस्तों, मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन गूगल झूठ नहीं बोलेगा। सो यही था, काफ़ी बार हमारे क्लाइंट्स ने बोला कि देखिए सर, आप जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें एग्जैक्ट बताया कीजिए। सो उसी रीज़न के चक्कर में आज मैंने आपको दिखाया कि एग्जैक्ट डिस्टेंस आपका होने वाला है 550 मीटर्स का। हाँ जी बिल्कुल, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस मिलने वाला है आपको यहाँ से। लोकेशन की बात अगर मैं करता हूँ तो उसी के साथ मेन द्वारका मोड़ की मार्केट के अंदर होने वाला है। हर तरीके का रेस्टोरेंट, छोटा मोटा सामान अगर आपको लेना है तो आपको एक्सेसिबल पूरी मार्केट मिलेगी। उसी के साथ वेजिटेबल पूरी मार्केट यहाँ पे सामने लगती है रोड के ऊपर, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है आपको इस फ्लैट के अंदर। सो दोस्तों, सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ में से एक फैसिलिटी होने वाली है, इतनी बड़ी रूफ आपको 1 BHK फ्लैट के अंदर एक्सेसिबल मिलेगी। हाँ जी, जो कि आपको ढूंढने से नहीं मिलती है। लोगों को 1 BHK के अंदर बालकनी नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 100 स्क्वायर यार्ड का रूफ मिल रहा है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, छोटी छोटी मध्य मध्य बारिश हो रही है, उसको हम इंजॉय करते हुए आज वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि सबसे अलग है। सो दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, फिर फ्लैट के बारे में बता देता हूँ। सो दोस्तों, ये होने वाला है स्टेयर केस। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से एंट्री करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आपको फ्लोर मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही स्टेयर केस चढ़नी है और आप फ्लोर पे आ जाओगे। बालकनी एरिया कॉमन रहेगा। हमारे इस फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट मिलने वाले हैं, तो ये बालकनी एरिया आपका कॉमन रहने वाला है। इसी के साथ ये लॉबी आपको कॉमन मिलने वाली है। सो दोस्तों, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसे और यूज़ कर सकते हैं। और ये होने वाली है हमारे फ्लैट की मेन एंट्रेंस। सो दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री करेंगे, मैंने आपको बताया क्या कि देखिए, इसके अंदर आपको लोहे का गेट मिलने वाला है जाली के साथ। 1 BHK फ्लैट्स के अंदर हमारे को एक गेट तक नहीं मिलता, यहाँ पे आपको लोहे का विथ सिक्योरिटी जाली के साथ गेट मिल रहा है। उसी के साथ दोस्तों, ये 1 BHK फ्लैट नहीं होगा, ये होगा 2 रूम सेट। हाँ जी, यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े रूम मिलने वाले हैं, एक छोटा सा लॉबी एरिया मिलने वाला है, कॉमन एरिया होगा। अभी आपको देखने में थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा होगा, लेकिन वंस यू प्लान और मूव इन करने का फाइनलाइज करते हैं, ये सारा का सारा आपको रिपेयर होके मिलेगा, रीपेंट होके मिलेगा, सफाई होके मिलेगी। सो दीज आर द बेस्ट पार्ट। आपको इस कंडीशन के अंदर ये फ्लैट नहीं मिलने वाला है। हल्का सा अगर आप आगे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा किचन होने वाला है। किचन का साइज देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया बात जो इस फ्लैट के अंदर आपको मिलने वाली है, वो आपको मिलने वाला है साइज। किचन, रूम, वॉशरूम, तीनों के साइज आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। ग्रेनाइट का मार्बल बताया मैंने आपको, किचन टॉप के ऊपर है। टैप मिलने वाले हैं हमारे को, यहाँ पे वॉशिंग एरिया और शेल्व्स दो-दो हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना है, बहुत नॉमिनल सा रेंट पे करना है आपको। उसी के बाद अगर आप देखते हैं, आप कहते हैं कि पीछे का फ्लैट है तो इसमें वेंटिलेशन की आपको कमी लगेगी, तो मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि उस फ्लैट को बनाते समय जब ये बना था तो थोड़ा सा पुराना बना हुआ फ्लैट है। इस चक्कर में वेंटिलेशन के लिए हमारे पास ऊपर एक इतना बड़ा जाल ओपन है, अगर आप चाहें तो इसे ओपन रख सकते हैं, चाहे तो इसे क्लोज कर सकते हैं। सो ये आपकी वेंटिलेशन को, किचन की वेंटिलेशन को प्रॉपर मेंटेन रखेगा, रेस्ट रूम की वेंटिलेशन को प्रॉपर मेंटेन रखेगा। जो मैंने आपको बताया नहीं, रेस्ट रूम की दे रहा है, रेस्ट रूम हमारा एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है किचन के। अक्रॉस दी हॉल हमारा रेस्ट रूम होने वाला है। रेस्ट रूम का साइज देख लीजिए आप कितना बड़ा है। फिर मैंने आपको बताया, मैं आपको रिपीट दोबारा कर रहा हूँ, इस टाइम पे थोड़ा अनटाइडी है। वंस यू विल प्लान टू मूव इन, बहुत अच्छे से साफ होके आपको फ्लैट मिलेगा, रीपेंट होके मिलेगा, दैट इज द मेन पार्ट। स्टेनलेस स्टील के अंदर टैप मिलने वाला है आपको। सो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप हमारा पॉट एरिया, इंडियन स्टाइल हमारे को पॉट मिलेगा इसके अंदर। सो दोस्तों, ये था हमारा अभी तक का कॉमन एरिया जो कि मैंने आपको बता दिया इस फ्लैट के अंदर। और अभी तक आपने देखा होगा कि इतने कम प्राइस के बावजूद इसके अंदर आपको कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है और कितने तरीके से बना हुआ स्पेस मिल रहा है। जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर आते हैं, आपको हैंड वॉश के लिए मिलेगा यहाँ पे वॉश बेसिन, थोड़ा सा गंदा है, अगेन इग्नोर इट, लेकिन आपको साफ होके मिलेगा और एकदम नया मिलेगा। सो दोस्तों, जैसे हम आगे आते हैं, दिस विल बी द फर्स्ट रूम, ये हमारा पहला रूम होने वाला है।
रूम साइज की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, 12x12 का रूम है, अच्छे अच्छे 1BHK फ्लैट के अंदर आई कैन अश्योर यू पर्सनली नहीं मिलेगा फ्लैट। मैंने इतने सारे 1BHK शूट करे, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके अंदर जो रूम साइज मिलता है हमें मैक्सिमम 10-11, बहुत ही बड़ा रूम साइज है तो 12-10, दैट्स ऑल। ये आपको कॉमन साइज मिलने वाले हैं, लेकिन इस फ्लैट के अंदर आपको जो दोनों रूम साइज मिलेंगे दैट इज 12x12, दोनों रूम साइज आपको 12x12 के मिलने वाले हैं। फ्लोरिंग के ऊपर आप देख सकते हैं मार्बल लगा हुआ है, व्हाइट मार्बल है, कोई टाइल का लफड़ा नहीं है। ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। अगर उसी के बाद अगर मैं शीशा यहाँ पे देख बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको शीशा प्री इंस्टॉल मिल रहा है, अगर आप इसे चाहे तो अपना ड्रेसिंग एरिया भी बना सकते हैं। उसी के साथ अगर आप एसी नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया काफी खुला फ्लैट है, वेंटिलेशन प्रॉपरली मेंटेन्ड है, सो यहाँ पर आप कूलर रख सकते हैं, चाहे तो प्लेस कर सकते हैं। कूलर रखने का इजीली एक स्पेस अच्छा अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पे विंडो दे रखी है, कांच कांच के पीछे जाली। सो दोस्तों, जैसे फर्स्ट रूम के एडजस्टमेंट होने वाला है हमारा सेकेंड रूम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस फ्लैट के अंदर जो बेस्ट पार्ट है दैट इज स्पेस। आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलने वाला है, वॉशरूम का स्पेस दिखाया मैंने आपको, किचन का दिखाया, फर्स्ट रूम का दिखाया। नाउ सेकंड रूम, सेकंड रूम साइज भी आपको मिलने वाला है 12x12 का। हाँ जी, अगर फ्लोर की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको मार्बल मिलने वाला है, टाइल्स नहीं मिलेंगी जो कि लेस ड्यूरेबल होती है, कंपैरेटिवली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ पर फ्लोर के ऊपर भी। और दोस्तों यहाँ पर आपको वुडन डोर मिलने वाला है, वुडन डोर का आप साइज देख सकते हैं कितना अमेजिंग साइज मिलने वाला है, बहुत अच्छा और बड़ा गेट है। और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पर भी ऊपर एक जाली है और उसके ऊपर एक छोटा सा मतलब विंडो दे रखा है जो कि वेंटिलेशन के लिए काम यूज कर सकते हैं आप। सो दोस्तों ये था हमारा अभी तक का फ्लैट, अब जो लास्ट पार्ट है और बेस्ट पार्ट है तो इस फ्लैट के अंदर वो मिलने वाला आपको टेरेस। स्टार्टिंग में आपने ओपनिंग में थोड़ा सा देखा होगा, मैं ट्रांजिशन दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा टेरेस होने वाला है। सो जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे, रूम से बाहर निकलते ही आपको एक स्टेयरकेस दिखेगा जो कि हमारे रूफ पे आएगा। हाँ जी, ये होने वाला है रूफ। रूफ साइज आप देख सकते हैं 100 square yards के अंदर रूफ बना हुआ है, ये रूफ आपको प्रॉपर मिलने वाला है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का फ्लैट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो आप ऊपर लिखा हुआ फ्लैट कोड नोट डाउन करके हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा था, और जितने ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा सकते हैं कराइए, ताकि उन्हें भी पता लगे दिल्ली के अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल फॉर रेंट है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।